हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू पनेर लंच स्कूल। माय नेम इज अनीता राजपूत। कैसे हो सब बच्चे? अच्छे हो बच्चों? और बच्चों, वीडियो को देखा आपने? देखा करो बेटा, सभी वीडियो जो भी आते ना हमारे वो वाले। ओके बच्चों, हमने आगे वाले वीडियो में क्या पढ़ा था पता है आपको? हमने आगे वाले वीडियो में क्या पढ़ा था बच्चों? आ की मात्रा वाले शब्द पढ़े है ना, आए आपको पढ़ना। और आज हम क्या पढ़ने वाले? आ की मात्रा वाले वाक्य पढ़ने वाले। शब्द तो हमने पढ़े ना, आम, अनार, जिसमें आ की मात्रा आती हो, राम, काला, ये शब्द हमने कल पढ़े थे। पर आज हम वाक्य पढ़ने वाले। कैसे? राम आया, राम बाजार गया, है ना, ऐसे वाक्य हम पढ़ने वाले। हमारी किताब में वो वाक्य दिए गए बच्चों। ओके, तो चलो मैं आपको बताती हूँ वो वाक्य कैसे होते हैं। चलो हम शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, मैं पहले क्या लिखती हूँ आप देखना, है ना। ये मैंने क्या लिखा है? र, र के आ की मात्रा लगी तो रा, म, क्या लिखा मैंने? राम। फिर मैंने लिखा आगे, बोलो आप, आ, ये क्या है? जा, आ जा। तो पूरे को एक साथ कैसे पढ़ेंगे बच्चों? ये वाक्य हो गया। कैसे? पूरे को एक साथ पढ़ेंगे ना, राम आ जा। क्या लिखा गया ये? राम आ जा। चलो फिर से मैं एक वाक्य लिखती हूँ। ओके, मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने? ये च के आ की मात्रा लगाई तो चा व ल, चावल, म त, मत, फिर प, और क के आ की मात्रा लगाई तो का, तो क्या पढ़ेंगे उसको? पका। तो जो पूरी लाइन कैसे पढ़ी जाएगी? तो देखो हमको आया ना, ये पढ़ेंगे हम चावल मत पका। हो गई पूरी लाइन, चावल मत पका। देखो मैं फिर से लिखती हूँ ना, मैंने लिखा, क्या लिखा मैंने बच्चों? ये र के आके माता लगाई तो राम, राम। फिर हमने लिखा, पढ़ो चलो, ये क्या लिखा गया है बच्चों? ये लिखा गया है टमाटर, टमाटर, राम टमाटर। फिर हमने लिखा मत, मत, राम टमाटर मत। फिर बच्चों हम मैंने लिख दिया खा। चलो पूरे को एक साथ के ही पढ़ेंगे हम। तो पढ़ेंगे पहले राम टमाटर मत खा, आया? देखो फिर से पढ़ते हैं, राम टमाटर मत खा। ओके, चलो मैं फिर से वाक्य बनाती हूँ, फिर से मैं लिखती हूँ ना वाक्य। क्या लिखा मैंने? ल, ल क्या की मात्रा लगे तो लाल, लाल। फिर से मैंने लिखा टमाटर, लाल टमाटर, लाल टमाटर खा, है ना बच्चों? हो गए। चलो फिर से हम लिखते हैं, देखो हम दूसरा लिखते हैं अब। ये क्या लिखा बच्चों मैंने? अचार, अचार। फिर मैंने लिखा न, ख के आ की मात्रा लगाई तो खाया, अचार न खाया कर। हो गई ना मेरे वाक्य? देखो पूरा पढ़ो चलो, अचार न खाया कर, आया बच्चों आपको? ये हमारे के आ की मात्रा वाले वाक्य है। हमने शब्द तो पढ़े थे पर वाक्य भी हमको पढ़ना था, इसलिए हमने क्या पढ़े? ये वाक्य भी पढ़े। चलो फिर से हम दूसरे लिखते हैं। देखो बच्चों मैं लिखती हूँ ये बाजार, बाजार जा। क्या ये? बाजार जा। देखो हम लिखते हैं, देखो बच्चों हम लिखेंगे यहाँ पर, मैंने लिखा ये राधा, राधा भजन,
राधा भजन कर, क्या आएगा देखो कैसे पढ़ेंगे इसको हम, राधा भजन कर, हो गया ना लाइन पूरी। ऐसे ये बच्चे वाक्य होते हैं, ये वाक्य होते हैं। ओके चलो वो हमारी किताब में जो वाक्य दिए गए वो हम पढ़ते हैं। ओके बच्चे चलो हम वो शुरू करते हैं। तो देखो बच्चे क्या लिखा गया है ये अपने पढ़ते हैं पहले, है ना। तो देखो हमको आपकी मात्रा पढ़ना है ना, तो क्या हम डायरेक्ट पढ़ेंगे ना, भागा भागा लाला आया, भागा भागा लाला आया, है ना। क्या लिखा गया है देखो फिर से पढ़ते हैं हम, भागा भागा लाला आया, मतलब भागता हुआ कौन है, लाला आया। ओके अब कैसे लिखेंगे बच्चों, तो इसको हम लिखेंगे ना, तो देखो एक एक लाइन लिखेंगे हम। तो हम यहाँ पर पहले लिखेंगे भ है तो लिख देंगे हम भागा। देखो बच्चों एक एक अक्षर लिखना है हमको। ओके तो हम यहाँ पर लिखेंगे भागा भागा भागा, है ना। फिर क्या लिखा गया था आगे, भागा भागा लाला आया, तो हम यहाँ पर लिखेंगे लाला आया, आ या। तो क्या लिखा हमने, भागा भागा लाला आया। ओके बच्चों तो इस तरीके से आपको भी जैसे हम शब्द लिखते हैं उसी तरह एक एक शब्द लिखना है फिर पढ़ना है। देखो फिर से हम लिखते हैं। ओके बच्चों इस तरीके से आपको भी पेंसिल से अच्छी अच्छी राइटिंग से लिखना है। ओके क्या लिखना है आपको पता है ना, तो बच्चों इसको आपको बोल बोल के लिखना है। क्या बोल पढ़ेंगे हम इसको, तो देखो भागा भागा, देखो क्या पढ़ेंगे इसको हम, भागा भागा लाला आया। उसी प्रकार बच्चों नीचे भी आपको इसी राइटिंग में अच्छी अच्छी राइटिंग से लिख देना है। ओके चलो हम दूसरा देखते हैं अब हम। देखो बच्चों वो तो हमने पढ़ा ना, अब ये दूसरा हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पर लिखा गया देखो ग के आके मात्रा लगे तो गाजर, गाजर लाया, अनार लाया। क्या पढ़ेंगे इसको हम, गाजर लाया अनार लाया। तो बच्चों इसको भी हमको बोल बोल कर लिखना है। तो बच्चों देखो पहले हम लिखते हैं गा ज र, गाजर लाया, फिर आगे क्या लिखा हमने, गाजर लाया, फिर आगे हम लिखेंगे बच्चों अनार, अनार लाया, है ना, गाजर लाया अनार लाया। ओके बच्चों इस तरीके से आपको भी बोल बोल कर लिखना है। पहले एक शब्द लिखना है गाजर, फिर हम लिखेंगे लाया। ओके फिर आएगा अनार लाया। इस तरीके से बच्चों आपको भी बोल बोल कर डॉट के ऊपर ही ट्रेस करना है, पेंसिल से लिखना है अच्छे से अच्छी राइटिंग में। वो लाइन के बाहर नहीं निकलना चाहिए, लाइन के अंदर ही रहकर आपको लिखना है। ओके तो ये हमने आगे मात्रा वाले वाक्य पढ़े, शब्द तो हमने आगे वाले वीडियो में पढ़े थे, पर हमने आज आगे मात्रा वाले वाक्य भी पढ़ लिए। ओके बच्चों आप भी बोल बोल कर अच्छी अच्छी राइटिंग से लिखना। ओके बाय बाय।